फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप कंपनीज की। फ्रेंड्स, साउथ इंडिया में एक फिल्म बनाई गई आदु जीवितम, और जिसका हिंदी वर्जन भी सामने आया द गुड लाइफ के नाम पर। शुरू में जीसीसी में बेशतर ममालिक में इसको बैन किया गया, और कुवैत में और सऊदी अरेबिया में ये अब भी बैन है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पर ऐसा एतराज हुआ कि इस फिल्म को सिरे से बैन ही कर दिया गया। इस फिल्म पर हजारों वीडियोस बनी और मीडिया इस पर बहुत एक्टिव हो गया। मुझसे भी कहा गया कि आप इस पर वीडियो बनाएं और अपना नुक्ता नजर पेश करें। मेरा नुक्ता नजर अपनी जगह, जो कि मैं आपको इसके बाद जो मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी उनमें पेश करती रहूंगी। लेकिन उससे भी अहम बात ये थी मेरे लिए कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, मिस्टर ब्लासी, उनका नुक्ता नजर मुझे जानने को मिले। मेरे बहुत सारे सवाल हैं कि फिल्म क्यों पेश की गई, किस तरह पेश की गई, और क्यों ये फिल्म उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी में गिर गई। लोगों को शिकायतें हैं तो वो क्या हैं? मीडिया में जो इसके बारे में पेश किया गया वो अक्सर हकायक पर मबनी ही नहीं था, और दो धड़ों में पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ गया है। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, लेकिन सच्चाई पर मबनी होना चाहिए। याद रखें कि क्रिटिसिज्म अगर सच्ची हो तो एक ब्लेसिंग्स होती हैं, उससे हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि क्रिटिसिज्म सच्ची और सही होनी चाहिए। तो जनाब, मिस्टर ब्लेसी की जो द गुड लाइफ है वो हमारे लिए बीइंग सऊदी ब्लेसिंग है या ब्लाइट है, इसका अहाता हम करेंगे अपनी इन वीडियोस में, और फैसला होगा आपकी अदालत में। जो जैसा होगा वो मैं आपके सामने पेश करूंगी, रखूंगी, और इसीलिए मैं रुकी हुई थी, सब्र कर रही थी और तहकीक कर रही थी ताकि आपके सामने सही सही मामला रखूं। फ्रेंड्स, ये मामला बहुत अहम है, सच्चाई के लिए बहुत अहम है, 21st सेंचुरी के मीडिया के रुझान के लिए बहुत अहम है। आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि इस मामले को आपने ठीक से फॉलो करना है। मैंने इस मामले में बहुत सारी वीडियोस बनानी है, और फ्रेंड्स मैं चाहती तो भीड़ चाल का शिकार होकर इस मामले में बहुत पहले वीडियो बना चुकी होती, लेकिन मैंने तहकीक की और ठीक तरीके से इस मामले को अब उठा रही हूं। फ्रेंड्स, मैंने मिस्टर ब्लेसी से राब्ता किया और उनसे अपना तारुफ कराया। मैंने उनको अपना मकसद बताया कि मैं कंट्रोवर्सी पर आपसे बात करना चाहती हूं, मेरे लिए आपका पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने जवाब देते हुए इसका शुक्रिया अदा किया कि मैं उनका नुक्ता नजर पूछ रही हूं। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म गोट लाइफ 2008 में शाया होने वाले बिन्यामीन के बेस्ट सेलिंग यानी के सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले नॉवेल की सिनेमैटिक अडैप्शन है। ये एक मलयालम नॉवेल था और अरबी जबान समेत कई जबानों में इसका तर्जुमा किया जा चुका है। मिस्टर ब्लेसी ने ये कहा कि इस फिल्म में एक हार्श पर्सन के दिल में, एक सख्त इंसान के दिल में भी इंसानी रूह की अजमत को उजागर करने की अंतक कोशिश की गई है। फिल्म के मरकजी किरदार नजीब का अल्लाह पर ईमान मजबूत हो जाता है, तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो वो सख्त तरीन तजुर्बात के बावजूद कभी भी अपने ईमान से दस्तबरदार नहीं होता है। उसका ईमान गैर मुतजलजल है, और इसके लिए रूहे इलाही की निगहदाश्त पहले इब्राहिम कादरी की शक्ल में और फिर रोज राइज कार रखने वाले अरब शरीफ आदमी की सूरत में जाहिर होती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बुनियादी तौर पर जो डायरेक्टर ब्लेसी हैं वो मुझे यहाँ लिख कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अरब किरदारों को दरअसल काइंड और करीम शख्सियत भी तो दिखाया है, और एट द सेम टाइम जो अगवाशुदा किरदार है इन नजीब, उसका जो इंसानियत पर यकीन था, अकीदा था, वो भी अनवेवरिंग था, गैर मुतजलजल था। तो फ्रेंड्स, मिस्टर ब्लेसी ने मुझे ये लिखा कि मैंने पूरी फिल्म में मुसलसल ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हमारी दुआएं हमेशा खुदा की तरफ से कबूल होंगी, और खुदा हमेशा उन लोगों पर अपनी मोहब्बत और अपना करम बरसाता है जो उस पर अपना ईमान रखते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्टर ब्लेसी ने इसके बाद मुझे ये कहा कि इस फिल्म में उन्होंने बहुत सारे किरदारों के जरिए अरब लोगों के कंपैशन और हमदर्दी को केयरफुली पेश करने की कोशिश की है, और खास तौर पर एक अरब जेंटलमैन के जरिए जिसके बगैर नजीब सड़क पर मर जाता। वो नजीब को डेजर्ट की सहरा की सड़क के बीचों बीच बचाता है। वो नजीब को अपनी चमकती हुई एक्सपेंसिव रोज राइज कार में बिठाता है, उसको पानी पिलाता है और उससे कहता है कि सो जाओ, आराम कर लो, और फिर नजीब को एक ऐसी जगह ड्रॉप कर देता है जहां पर उसको यकीनी तौर पर मदद मिल सकती है। तो इस जेंटलमैन को सऊदी लोगों की शराफत और मेहरबानी के मजहर के तौर पर पेश किया गया है। इस सऊदी के किसी मुसीबत ज़दा इंसान के लिए हमदर्दी और मेहरबानी बयान से बाहर है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में जो स्टाफ है, डिपोर्टेशन सेंटर में जो सऊदी लोग हैं, और आउट पास के चेक पोस्ट पर जो लोग हैं, उन सभी को रहमदिली, कंपैशन और हमदर्दी के मजहर के तौर पर पेश किया गया है। फ्रेंड्स, डायरेक्टर ब्लेसी का आगे ये कहना है कि इस फिल्म को सिर्फ आर्ट के तौर पर ही समझा जाना चाहिए, और इसका मकसद कभी भी किसी फर्द या नस्ल या मुल्क के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। ताहम मैंने देखा कि फिल्म के कंटेंट की गलत तशरीह करके समाजी बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं सबसे ये अपील करता हूं कि वो इसके अलावा किसी भी
चीज को मंसूब करने से गुरेज करें, जो मैंने इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर इरादतन कम्युनिकेट किया। आई विश कि हर कोई इस फिल्म को इंसानियत की अजमत और खुदा की हम्मागीर मोहब्बत और करम को समझते हुए इस फिल्म को खराज तहसीन पेश करने के काबिल हो जाए, कि वो लोग भी होते हैं जो दुआ करते हैं और खुदा की अजमत पर भी यकीन रखते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद डायरेक्टर ब्लेसी ने मुझे ये कहा कि अगर आपका फिल्म बनाने के हवाले से कोई सवाल है तो मुझे उसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। फिल वक्त मैं ट्रैवलिंग में हूँ और फौरी तौर पर शायद आपके जवाबात ना दे सकूं, ताहम मैं जल्द से जल्द जवाबात दूंगा। एक बार फिर मैं अपना नुक्ता नजर सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पहली बातचीत फिल्म द गोट लाइफ के प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर मिस्टर ब्लेसी के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस मौजू पर मजीद वीडियोस बनाऊंगी, हकायक सामने लाऊंगी, और मैं सिर्फ ये वेट कर रही थी कि डायरेक्टर ब्लेसी का नुक्ता नजर हासिल कर सकूं और आपको पेश कर सकूं। ऑब्वियसली डायरेक्टर ब्लेसी से करूंगी मैं मजीद सवाल, और आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आपने कमेंट में वो सवाल लिखने हैं, मैं मिस्टर ब्लेसी को वो तमाम सवाल भेजूंगी। दोनों पहलू आपके सामने आना जरूरी है। आपने इन वीडियोस को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबा देना है ताकि ये वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, क्योंकि अगर आप इस मौजू को फॉलो करते रहे हैं कहीं और भी तो हो सकता है कि वो आप पर एक तरफा या अधूरी मालूमात या गलत इन्फॉर्मेशन मुसल्लत कर रहे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ व्यूज की खातिर कुछ भी बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब वीडियोस बनाना मेरी हॉबी है और मैं नेक नियती के साथ आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूं। एक क्वालिफाइड सऊदी मीडिया पर्सन और ऑथराइज्ड सऊदी जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपके सामने हमेशा पेश होती हूं और कुछ ना कुछ अच्छा तजुर्बा ही आपको देकर जाने की पूरी कोशिश करती हूं। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ और इस मौजू के तसलसुल की एक और आला वीडियो के साथ भी। टिल देन, मा सलामा, बाय बाय।